दोस्तों मैं सोनीपत से रोहतक जा रहा था और रास्ते में ये मिल गए शाम शाम पेड़े वाले और यहाँ पे स्पेशल काजू की बर्फी 600 रुपये किलो। यार 600 रुपये किलो कहीं मिलती है क्या? मुझे लगता कहीं मिलती है। 800 हज़ार सुना है मैंने, बड़ी बड़ी दुकानों पे 800 हज़ार सुना है, लेकिन यहाँ है तो ये इन्होंने क्या धांधली कर रखी है, क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम ज़रा तहकीकात करते हैं। आइए चलते हैं, आइए जल्दी आइए। भाई साहब यहाँ के ओनर आप हो? हाँ जी सर। सर ये आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है ये 600 रुपये किलो काजू बर्फी, ये क्या खेल है सर? इतने नाराज क्यों हो रहे हो आप? पहले नाराज नहीं सर, 600 रुपये किलो मतलब ये क्या है? तो हम दे रहे हैं सर, माहौल बना रखा है क्या? नहीं नहीं, हम दे रहे हैं 600 रुपये किलो। सर मैंने तो 900, 800, 1000, 1200 ही सुनी हमने। सर देखो आपने 800, 900, 1000 सुनी है, हमारे पास केवल और केवल 600 रुपये किलो में आपके पास रखी है। ये वाली है? यही वाली है, ये वाली है। अच्छा आप इसको खाओ, घर ले जाओ और केवल 600 रुपये का। पहले खा के देखते हैं जरा, पहले खा के देखो। 600 रुपये किलो में नहीं बढ़ सकते सर, गारंटी के साथ 600 रुपये। आप 600 रुपये दो, 1 किलो ले जाओ, हम 600 रुपये किलो में ही दे रहे हैं। मतलब काजू खेत हैं क्या आपके? खेत नहीं है। ये देख रहे दोस्तों, देसी घी की जलेबी है जो भाई ने बनाई है, और ये जलेबी नहीं, ये जलेबा है। देखिए क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, स्वाद भरपूर। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाऊंगा घी, घी देखिए, घी बिल्कुल काला नहीं है। बहुत सारे जो यूज़ करते हैं रिफाइंड ऑयल या घी यूज़ करते हैं डालडा वालडा, वो बाबा गर्म करके बिल्कुल काला हो जाता है, लेकिन नहीं, दूध का कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल लालिमा पकड़ चुका है। इसका मतलब है इसमें से बिल्कुल ताकत मलाई का रूप ले रही है। ये देखिए, और देसी खांड यूज़ की जाती है यहाँ पे। दोस्तों मैं सोनीपत से रोहतक जा रहा था और रास्ते में ये मिल गए शाम पेड़े वाले और यहाँ पे स्पेशल काजू की बर्फी 600 रुपये किलो। या 600 रुपये किलो कहीं मिलती है क्या? मुझे लगता कहीं मिलती है। 800 हज़ार सुना है मैंने, बड़ी बड़ी दुकानों पे 800 हज़ार सुना है, लेकिन यहाँ है तो ये इन्होंने क्या धांधली कर रखी है, क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम ज़रा तहकीकात करते हैं। आइए चलते हैं, आइए जल्दी आइए। भाई साहब यहाँ के ओनर आप हो? हाँ जी सर। सर ये आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है ये 600 रुपये किलो काजू बर्फी, ये क्या खेल है सर? इतने नाराज क्यों हो रहे हो आप? पहले नाराज नहीं सर, 600 रुपये किलो मतलब ये क्या है? तो हम दे रहे हैं सर, माहौल बना रखा है क्या? नहीं नहीं, हम दे रहे हैं 600 रुपये किलो। सर मैंने तो 900, 800, 1000, 1200 ही सुनी हमने। तो ये देखो आपने 800, 900, 1000 सुनी है, हमारे पास केवल और केवल 600 रुपये किलो में आपके पास रखी है। ये वाली है? यही वाली है, ये वाली है। अच्छा आप इसको खाओ, घर ले जाओ और केवल 600 रुपये का। पहले खा के देखते हैं जरा, पहले खा के देखो। 600 रुपये किलो में नहीं बढ़ सकते सर, गारंटी के साथ 600 रुपये। आप 600 रुपये दो, 1 किलो ले जाओ, हम 600 रुपये किलो में ही दे रहे हैं। मतलब हम कैमरा लेके आए हैं
इसलिए आप ज्यादा हमें सस्ता दे रहे हो या सबके लिए? ये तो जी हमने बोर्ड बाहर बोर्ड लगा रखा है कितना बड़ा। हाँ बोर्ड देखे हमें यार। और ये बताओ बाहर हमने 600 रुपए लिख दिया, आप अंदर आए हम आपसे 800 दे दो, आप कैसे दोगे? मैं तो रोता जा रहा था। ठीक है आपका बोर्ड देखा, आपका बोर्ड देखने के बाद मैंने कहा यार कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? नहीं 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 लूट रहे हो, मखौल कर रहे हो। ये जो है सर ये काजू बर्फी केवल और केवल 600 रुपए किलो है। अच्छा और इसके अंदर काजू और चीनी, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा भाई ये है काजू की बर्फी, देखो जरा ये है बर्फी काजू, ये है। अब आप देख लो अब ये सच है या झूठ है, और या फिर एक काम करो आओ खा के देखो, तहकीकात करो, और साबित अगर होता है जुर्म तो सजा दो। कुल मिलाकर के हम इन पे भरोसा नहीं करेंगे, हम इनको इनसे पूछेंगे भाई कैसे कर रहे हो ये, आप सर साबित कैसे करके दिखाओगे मेरे को कि ये आपने काजू बर्फी बनाई है? हाँ पहले भी काजू बर्फी खाते हो? हाँ खाते और आज भी खा रहे हो? मुझे ठीक लगी। आपने काजू बर्फी खा के देखी? हाँ जी खाई। हाँ जी बाहर की जो खाई होगी आपने उसके और इसके टेस्ट में क्या फर्क लगा? मुझे तो अच्छी लगी। नॉर्मल लगी? नहीं नॉर्मल लगी। और बाहर क्या रेट है? बाहर 1000 रुपये है, 900 1000 ही है यहाँ। वहाँ से टेस्ट बढ़िया है? हाँ। और वहाँ से पैसे कम हैं, 600 रुपये किलो। काजू खेत हैं क्या आपके? खेत नहीं है हमारे। फिर काजू खेत नहीं फिर कैसे दे रहे हो? देखो जी ऐसा है हमारे मन में क्या है, हमारा एक टारगेट है हाँ जी कि हमने कम से कम प्राइस में अपने कस्टमरों को मिठाइयाँ खिलाना। क्यों दे रहे हो सर? ज़्यादा पैसे क्या करना है आपने सर? हम तो सारा बाबा शाम हमारा ही तो यही है ना, हमारा सारा तो यही है जी। यही है सर? यही हमारे सारा तो हमारी हमारी दुकान का नाम है श्री श्याम पेड़ेवाला। अच्छा अच्छा अच्छा। अब श्याम के भगत हैं जी हम, ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा हम तो जी श्याम के भगत हैं, इसी के वाले चलते हैं, हमारी गाड़ी तो इसी मतलब के बाबा जो हारेगा सारा बाबा श्याम और खाटू श्याम जी है, खाटू श्याम उनका आपने भंडार लगा रखा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बचाना बचाना कुछ नहीं? हाँ जी ना ना ऐसा बर्बाद हो जाओगे सर। क्या लेके जाना? नहीं लेकर तो कुछ नहीं जाना, ये बात सच है। हमारा मेन टारगेट ये है हाँ जी हमारे ग्राहकों को बढ़िया से बढ़िया चीज सस्ते भाव में कैसे खा सके। अच्छा जी मेरे को बर्फी दिख गई आपके पनीर की जलेबी? ये देखो ये जलेबी हमारी, ये जलेबी में दिखी, ये जलेबी आपने खाई है? हाँ जी। ये शाम स्पेशल जलेबी? मैंने ये पनीर वाली खाई मैंने। ये है पनीर जलेबी? हाँ देसी घी में है जी। हाँ केवल 360 रुपए किलो का। हाँ जी। और ये देसी घी में? और ये वाली? ये भी देसी घी में है, ये शाम स्पेशल जलेबी मैदा में बनती है, केवल 280। लेकिन है दोनों देसी घी में। अच्छा दूसरी बात, मैं झूठ बोल सकता हूँ जी? मेरे ग्राहक झूठ नहीं बोल सकते। आपके झूठ आपके ग्राहकों का लेंगे इंटरव्यू? हाँ ग्राहकों से पूछो, किसी से भी पूछो। हमने झूठ बोला सर? दूसरी बात मेरे को आप ये दिखाओ काजू कहाँ है जो लगो रखे हैं आपने? हाँ, खेत में आपने उगाए थे? हाँ काजू भी दिखाएंगे आपको भाई। काजू की बात काजू दिखाओ ऐसे नहीं भाई, ऐसा है हम काजू देखेंगे, अब क्या पता ये कहाँ से ला के बेच रहे हैं, हम पूरी तहकीकात करेंगे क्योंकि ये आम जनमानस के स्वाद और सेहत का मामला है। तो हम यहाँ से जा रहे हो तो एज ए फूड ब्लॉगर हमारा फर्ज बनता है कि हम भाई साहब का पूरा पूरा एक इंटरव्यू लें, पता करें कहाँ से क्या हो रहा है। भाई साहब काजू दिखाओ जरा, लो भाई साहब ये आ गए। कितना काजू भाई साहब इसमें? ये 10 किलो की बाल्टी है। 10 किलो की दिखाइए भाई, दे दो बाल्टी दे दो भाई साहब, बाल्टी की बाल्टी। ये लो ये तो घाय काजू है भाई, ये देखो जी काजू की क्वालिटी देखो आप भाई साहब। हमारा टारगेट है जी भाई साहब काजू तो बहुत बढ़िया आपका, सस्ते से सस्ते रेट में मिठाइयाँ तैयार करनी। अच्छा 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 सस्ते सस्ता, अगर सस्ती होगी तभी आपको सस्ती मिलेगी मिठाई। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा मेन क्या है कि गरीब आदमी 800-1000 रुपये वाली मिठाई में जी देखो महंगाई का दौर है हाँ जी हाँ जी, तो खरीदने में परेशानी होती है। अच्छा जी। इसीलिए हमने नो प्रॉफिट नो लॉस में हम ये काजू की बर्फी तैयार करके दे रहे हैं। कुल मिला करके लोग सोचते हैं कि जी काजू अच्छा नहीं होगा, लगा हुआ काजू होगा। हाँ बिल्कुल काजू देखो कहीं भी कुछ भी आपको कमी लगे? नहीं भाई काजू तो भाई क्वालिटी ठीक है, काजू की क्वालिटी बहुत बढ़िया है जी बिल्कुल, ये बात सही बात बिल्कुल, टूटवा काजू भी नहीं है ना जी, काजू बहुत बढ़िया है जी आपका। तो जी कुल मिला करके जी आपने मतलब लोगों को भंडारा खिलाना है? भंडारा खिलाना है जी, पैसे नहीं कमाने? पैसे नहीं कमाने, सेवा कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, कमाल है जी सर। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जब हमने यहाँ शुरू किया काम हाँ जी तो उसी की मर्जी से शुरू किया था और उसी की मर्जी से चल रहा है। तो जी बाबा ने आपका और कहाँ कहाँ साथ दिया, आप थोड़े से अपने देखो जी अनमोल पल बताओ जरा। इसकी महिमा क्या बताऊँ मैं आपको सर? कुछ नहीं पर फिर भी आपके जीवन में कुछ तो घटा होगा। परंपरा महिमा हमारे ऊपर है हाँ जी, हमने एक मावा निकालते हैं, मैं आपका टाइम तो ले रहा हूँ थोड़ा सा। अरे सर लो कोई बात लेकिन आप 2 मिनट बाद सुनो, हम जो मावा निकालते हैं हमने स्टीम का बॉयलर लगा रखा है। अच्छा और उसकी लिमिट होती है 150 तक की। अच्छा स्टीम की? स्टीम की प्रेशर की, गेज की? गेज की हाँ जी। और वो हमारी गलती से 150 से 180 तक उसका प्रेशर पहुँच गया। अच्छा बाई चांस लड़कों को ध्यान नहीं दिया लड़कों ने। अच्छा वो वहाँ बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन वो बैठा है जी नीले बड़ा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ।
खेत में बैठे हम यहाँ, हमारे चारों तरफ खेत, चारों तरफ खेत है यहाँ पे, सही बात, आपने देख लिया, हमने देख लिया बिल्कुल, जीव जंतु कीड़े कांटे सब आते हैं, सही है, कई बार हमारी दुकान में सांप भी घुस जाते हैं। अच्छा, हमारी पूरी लेबर रहती है, यही रहती है, ये लड़का सो रहा था एक दिन, अच्छा, इसके हम पेट के से ऊपर, इसके ऊपर से पेट आगे नीचे, ये बता देगा, हाँ बता भाई क्या हो रहा, रात को सोते समय मेरे पैर से सांप चढ़ा था, हाँ, और यहाँ से यहाँ तक आ गया था, मेरे को यहाँ पे आके ठंडा ठंडा सा लगा, मैंने मुख के देखा तो काला सांप था। अच्छा, फिर उसी टाइम मैं कर दिया था, गेट खोल दिया मैंने, बाहर को उसको मारा नहीं, नहीं मारा, यार जय बाबा की, जय बाबा, सात लोग थे, सबको मार देता हूँ, हाँ हाँ हाँ, अगर जहर होता तो जहरीला होता तो, नहीं वो अगर उसको हम मारते, अगर उसने हम बचाते तो उसको हमने बचाते, इसलिए मारना था, इसलिए मारना पड़ा, तो कुल मिलाकर पार महिमा है, नहीं सर बाबा की, बाबा की इनके ऊपर फुल कृपा है जी, फुल है जी, फुल। दोस्तों मैं आपको काजू की बर्फ़ी जिसका तहलका है यहाँ पे, जो पेड़े हैं यहाँ जिनका तहलका है, दूध है कूलर वाला दूध का स्वाद है, लेकिन मैं कहूँ या ऑनर कहे उस पर विश्वास मत करो आप, यहाँ मैं आपको यहाँ के रिव्यू दूंगा, यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं मैं उनसे पूछूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? अनुज। अनुज सर, जगजीत चौधरी ब्लॉग में आपका स्वागत है पहले तो सर। धन्यवाद सर। ये बताइए सर, इतने मोटे मोटे पेड़े और दूध का ले सर आप कहाँ जाएंगे, इतने खा के आप? सर ये स्वाद आजकल कहीं कहीं मिलता है, हम लोग कभी भी यहाँ से गुजरते हैं तो इस चीज़ का स्वाद जरूर लेते हैं। अच्छा जी। ये ऐसी लस्सी जिसके अंदर देखो कितनी टाइट लस्सी है, चम्मच भी खड़ी हो जाती है। लस्सी है ये चम्मच भी खड़ी हो जाती है। मैं सोच रहा था दूध है ये। अच्छा अच्छा, आप देखिए बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, देखिए चम्मच खड़ी है, हिल नहीं रही, इतना गाढ़ापन है, इतना बढ़िया पेड़े का स्वाद, काजू की बर्फी। और देखो मार्केट से हमें यहाँ सस्ती भी मिलती है, हमें फायदा ये रहता है कि आते जाते भाई जिस तरह मार्केट में महंगे हैं, यहाँ पे हमें बाहर से सस्ती चीज़ें मिलती है तो हमें भी फायदा रहता है, और चीज़ भी अच्छी क्वालिटी मिलती है। जाते हुए कभी जाते हैं पनीर हो गया यहाँ से, या घी हो गया गाय का या भैंस का, तो हम यहीं से ज़्यादातर यूज करते हैं। हाँ दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ पर ना देसी घी गाय का भी मिलता है और भैंस का भी मिलता है। तो सर आपने यहाँ का गाय का घी और भैंस का घी खाया? हम घर पे रेगुलर वही यूज कर रहे हैं और अच्छा। बहुत बढ़िया क्वालिटी है और बहुत बढ़िया है। सर काजू की बर्फी कैसे लगती है? काजू की बर्फी देखो जी, मैंने तो हर जगह ट्राई की, सस्ती और जगह से और बढ़िया। बाकी सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर एम के भारद्वाज, डॉक्टर मंतोष कुमार भारद्वाज। सर जगजीत चौधरी ब्लॉग में आपका स्वागत है सर, मेरा फूड चैनल है तो सर मैं इसलिए आपके रिव्यू लेने आया हूँ। सर आप यहाँ पर आते हो जो, आप यहाँ पे आकर क्या क्या खाना पसंद करते हो सर? सर यहाँ के तो हर एक चीज़, जितने भी व्यंजन यहाँ बनते हैं जी, सारे टेस्टी हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। छोले भटूरे से लेके पकोड़े से लेके समोसे से बर्फी, पेड़ा, बर्फी पेड़े मिठाई, रसमलाई यहाँ सबसे ज़्यादा मैं खाता हूँ सर, और दूध और ये लस्सी, लस्सी भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ तो हर एक मिठाई सर टॉप क्लास का, मैं तो कहता हूँ सोनीपत में इनसे बढ़िया टेस्ट कोई नहीं देता। क्या बात है सर, पूरे सोनीपत जिला की बात कर रहा हूँ, सबसे बढ़िया टेस्ट और शुद्धता की गारंटी है यहाँ सर। अच्छा सर, जो भी बनाते हैं पहले बोलते हैं भाई ये देसी घी में है ये इस चीज़ में, इतने ज़्यादा शुद्धता की गारंटी है सर। और फिर इनके जितने अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, इवन मालिक जो है, बोली व्यवहार भी बड़ा अच्छा, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं लोग का, बड़ा टाइम पे हाँ भाई देख ले उनमें क्या कमी है क्या ज़्यादा है, कोई कमी है तो वो बताओ, वो भी अगर हम बताते तो फिर उसको पूरा करते, इनके दुकान में कोई कमी है ही नहीं तो क्या करेंगे। क्या बात है। और ये सारी बात है सर, और ये सारी बातें पता है कौन बोल रहे हैं? वो बोले डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर एम के भारद्वाज बोल रहा है, एम डी मेडिसिन है डॉक्टर साहब।
सर अपना परिचय दीजिए पूरे सर पूरा। मैं डॉक्टर मंतोष कुमार भारद्वाज MD मेडिसिन फिजिशियन हूँ। मैं यहाँ दो हॉस्पिटल तो ही हैं, चौपाल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसका मैं CMO हूँ, आगे कालूपुर चुंगी पे हमारा खुद का श्री संतोषी क्लिनिक है, मैं वहाँ भी चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करता हूँ। मैं BP शुगर थायराइड अस्थमा दम्मा हार्ट अटैक कोई भी बीमारी हो सब कुछ देख रहा हूँ। और यहाँ मैं रोज आता हूँ खाने के लिए दोपहर में लंच। सर मतलब यहाँ का जो फूड हेल्दी है? काफ़ी हेल्दी है सर। एक डॉक्टर खाने के बाद कुछ भी ये नहीं होता कि भाई किसी जब हम कभी कोई भारी फूड खाते हैं तो कभी गैस बन जाता है, कभी तेजाब बन जाता है। पर यहाँ खाने के बाद मुझे कुछ आज तक नहीं हुआ सर। सात आठ साल गंदे ऑयल्स की वजह से होता है? जी वो तो गंदे ऑयल और गंदे, यहाँ तो जो भी देते हैं हमारे मतलब पूरा शुद्ध होता है। मैक्सिमम मिठाई तो यहाँ देसी घी में है, मैक्सिमम मिठाई जो बनते हैं या जो भी है मैक्सिमम चीज यहाँ के पनीर का जलेबी भी देसी घी में बनता। कल भी आधी किलो खाया, आज भी खाने वाला हूँ आधा किलो। ये देखिए इसी का है, इसी का दिया हुआ सारे बहुत बढ़िया है सब कुछ। हरियाणा में कब से है सर आप? हरियाणा में 15 अप्रैल 2013 से कार्यरत। 2013-2015 से यहाँ पर हैं? 13 से सर। 13 से जी जी सर। आप लगातार हूँ सर। यहाँ का हरियाणा का खान पान सर बहुत अच्छा लगा, खान पान भी बहुत अच्छा लगा सर, और आदमी भी अच्छे हैं, बिल्कुल जेन्युइन है, देसी हैं, भोले भाले हैं, बिल्कुल वही एकदम जो आप बोल रहे हैं वही सही है। आपकी सर सेहत का ख्याल रखते हैं हम सर, पूरा दूध दही घी खा के हम लोग एकदम मजबूत बन रहे हैं यहाँ पे तो दोस्तों। और शुद्ध है यहाँ के सारे भोजन, शुद्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ लोग खाते हैं दूध दही लस्सी, ये तो यार सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बशर्ते खाइए और काम भी ज़्यादा कीजिए, पसीना पाइए, मेहनत जरूर, खाना खूब है, कुछ भी खाइए उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बस आप मेहनत कीजिए, 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या खेत में या तो फिर फील्ड में या तो रेसलिंग में जो करना है दौड़िए, बस जिम जाइए या मतलब कसरत कीजिए, करना ज़रूरी है। कोई भी भोजन खराबी तभी करेगा। और यहाँ तो यार सारे कुछ शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है, चाहे मिठाई हो चाहे जितने भी फास्ट फूड जंक फूड कुछ भी यहाँ बनते हैं सारे शुद्ध तेल में। शुद्धता की गारंटी ले रहे हैं डॉक्टर साहब जो MBBS MD हैं, शुद्धता की गारंटी है, बताइए इससे बड़ी कोई बात नहीं होती फ्रेंड्स। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा, कुल मिला के अपना जो जो श्री श्याम पेरे वाले नाम है वो जय श्री श्याम के नाम से वो बिल्कुल जो धंधा ये कर रहे हैं बिल्कुल 100% गारंटी और शुद्धता के साथ है। प्रसाद की तरह कर, प्रसाद की तरह, भगवान का नाम भी सही है और इस दुकान का नाम भी सही है, मालिक भी सही है। और यहाँ के जितने व्यंजन हैं, जितने भी मिठाइयाँ हैं, जितने भी जंक फूड फास्ट फूड हैं सर, ये सारे टॉप क्लास का, मैं 100% की गारंटी देता हूँ शुद्धता का। क्या बात है, इससे बड़ा इंटरव्यू नहीं हो सकता, ये इंटरव्यू का ब्लास्ट है ये। तो फ्रेंड्स कुल मिला के अब हम सर को थैंक यू बोलते हैं और चलते हैं यहाँ के ऑनर संजीव जी के पास। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये देखिए दूध का कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल लालिमा पकड़ चुका है, इसका मतलब है इसमें से बिल्कुल ताकत मलाई का रूप ले रही है। ये देखिए और देसी खांड यूज़ की जाती है यहाँ पे, 50 रुपये का पेड़ा है और 30 रुपये का ये गिलास है। इस गिलास का ये साइज़ है, इसकी खुशबू ही अलग होती है। मिट्टी से जुड़े रहना है और मिट्टी में ही मिलना है एक दिन, इसलिए मिट्टी के से प्यार कीजिए और दूध पीजिए। भाई देशों में देश हरियाणा, यहाँ दूध दही का खाना, तो सबसे बड़ी बात है आप यहाँ दूध और दही के लिए आते हो शौक, और यहाँ पर आपके आके आपके सारे शौक पूरे हो जाते हैं। मीठा नमकीन सब कुछ है यहाँ पे, यहाँ की आप आओगे लिस्ट इतनी लंबी है, बहुत सारे फूड है यहाँ पे, एक फूड नहीं है, बहुत सारे फूड है। ये देखिए क्या बात, बहुत बढ़िया। ये देखिए देसी खांड है, देसी खांड यूज होती है बिल्कुल ब्राउन, ये देखिए देसी खांड यूज होती है। और ये आ गई मेरी मलाई, क्या बात है, क्या बात है। देखिए फ्रेंड्स है ना मज़ेदार, जब देखने में ही इतना आनंद है तो पीने में इतना मज़ा आएगा। महसूस होता है असली चीज़, असली दूध, कुछ भी खाओ महसूस होता है। ये चीज़ें आपको देसी जगह मिलेंगी, छोटे शहरों में मिलेंगी,
आपको बाकी जगह इन चीज़ों में मिलावट मिलेगी, वहाँ पे आपको खांड नहीं मिलेगी। खांड का तो दूर दूर तक लेना देना तो मॉइस्चर शुगर मिलती है। तो फ्रेंड्स, खाने से कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब इसके साथ मैं खाऊँगा पेड़ा और काजू की बर्फ़ी। चलिए भाई साहब। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली मैं आ गया हूँ अपने खाने के बिल्कुल टेबल पर। और ये देखिए, जो यहाँ की सबसे जानदार चीज़ है, जानदार स्वादिष्ट चीज़ है, वो है काजू की बर्फ़ी। ये देखिए, पहले मैं इसका टेस्ट करता हूँ ज़रा। शेप बहुत अच्छी लग रही है, अब देखता हूँ खाने में कैसे लगता है। बेहद नरम है, पूरा काजू का फ्लेवर आ रहा है मुंह में पूरा, और नरम बहुत ज़्यादा है। बुज़ुर्ग लोग भी खा सकते हैं, जवान तो खा सकते हैं, बुज़ुर्ग लोग भी बिना दांत लगाए इसे खा सकते हैं, इसको लो निकल सकते हैं, इतनी स्वादिष्ट है ये। तो मिठास बिल्कुल बैलेंस है, मेरे हिसाब से इसे शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं। 600 रुपये में मेरे ख्याल से इनको वारा नहीं खाता होगा। हालांकि जो इनके ऑनर हैं मैं उनसे बात करूंगा कि भाई आप कैसे करते हो, क्योंकि 800 और 1000 रुपये किलो से बर्फ़ी कहीं है ही नहीं। अब बात मार्जिन की है तो बात अलग है, कोई कम मार्जिन रखता है, कोई ज़्यादा मार्जिन रखता है। लेकिन मैं इनके ऑनर से पूछूंगा और फेयरली पूछूंगा कि उनका गुजारा कैसे होता है। और फ्रेंड्स, बाकी मुझे ये बर्फ़ी इतनी शानदार लगी, बहुत बढ़िया लगी, मज़ेदार। और ये पेड़ा 100 ग्राम का, 1 किलो में 10 पेड़े चढ़ते हैं, ये 100 ग्राम का पेड़ा है। शुद्ध गाय और दूध, भैंस के दूध में बनाए जाते हैं, गाय और भैंस के दूध में ही बनाए जाते हैं। इनको घंटों, इनको कढ़ाई में गर्म किया जाता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तब जाकर के लिए हमसे मिलता है ये, हमें स्वाद मिलता है इसका। इसमें मिलाई जाती है चीनी और दूध और कुछ नहीं होता इसमें, सिर्फ इसमें बनाने की कला है, कितनी आँच पर रखना है इसको, और बाबा श्याम की कृपा है इसमें। बाबा श्याम का प्रसाद समझ के यहाँ लोग खाते हैं तो उनको मज़ा आता है। और ये पेड़ है इनका 20 ग्राम का, ये 20 ग्राम के पेड़ा है। जिसको बड़े पेड़े लेने हैं 100 ग्राम का ले सकता है। इसका इसका जो रेट है वो 600 रुपये किलो में बता ही चुका हूँ। पेड़ों का जो रेट है वो 500 रुपये किलो है। आप बड़ा लो, छोटा लो, जैसे मर्जी साइज़ का लो, आपको एक ही साइज़ मिलेगा, मतलब एक ही रेट मिलेगा, सॉरी। और ये है 20 ग्राम का, इसको खाते हैं पहले। भाई वाह, मैंने मथुरा के पेड़े भी खाए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने हरियाणा के और स्पेशली सोनीपत के पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और आज इस पेड़े को खा के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वाकई में पेड़ा इसे कहते हैं। साथ में दूध, पेड़े की मैंने वीडियो पहले ही बनाई है, उनके पेड़े भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्वादिष्ट हैं। लेकिन इनकी अब एक अलग फ्रेगरेंस है, अलग सौंदर्य खुशबू है, अलग मज़ा है। उनका अपना स्वाद है, इसका अपना अलग स्वाद है। तो कुल मिलाकर के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य है बिल्कुल, आसपास यहाँ कोई दुकान नहीं है। मेरे ख्याल में 1.5 किलोमीटर के आसपास कोई दुकान और नहीं है। इन्होंने बिल्कुल खेतों में मेन हाईवे पर सोनीपत से रोहतक रोड पर इसको बना रखा है। और पास ही गांव है हरसाना कला, हरसाना कला गांव के पास ही है। हरसाना कला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, फिर इसके बाद खरखोदा आता है, तो उस हाईवे पर है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के अच्छी अगर क्वालिटी आप चाहते हो तो यहाँ ज़रूर आइए। अब मैं आपको खा के दिखाता हूँ पनीर की जलेबी। इसमें खुद जो घर में ये पनीर बनाते हैं, इनका पहले दूध का ही काम था, दूध का, मक्खन का, पनीर का इनका सप्लाई का काम था। इन्होंने करीब 2016 या 17 में दुकान खोली है यहाँ पे। तो इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है दूध और दूध से बने पदार्थों का। ये देखिए, कैमरा मैन ज़रा पास लाओ, ये इसकी फीलिंग है, इसके अंदर पनीर को फील किया जाता है। भाई वाह,
शानदार। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों। ये तो था मीठा, नमकीन है यहाँ पे, छोले भटूरे हैं यहाँ पे, पनीर का पकौड़ा है यहाँ पे, समोसा है यहाँ पे, कचौरी है। आपको यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी मीठे और नमकीन के। तो कुल मिलाकर के मैंने ये जो खाया है इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 10 में से 10 नंबर। ये मेरे पर्सनल अपना मन है, 10 में से 10 नंबर है। इतना शानदार खाना है, इतना जानदार खाना है, कसम से मज़ा आ गया। देसी लोग हैं हम, हरियाणा के देसी हमारी पसंद है भाई। मैंने इसका रुका सुना था, आज खा के देखा है मैंने। वाकई में इनकी क्वालिटी शानदार जानदार है। तो कुल मिलाकर पनीर की जलेबी का अपना अलग वो है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ के जो ओनर हैं संजीव जी, उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने इतना स्वाद और इतनी कम कीमत पर कैसे मेंटेन कर रखा है, कैसे दे रखा है। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनसे चलते हैं। चलिए मित्र, तो भाई साहब से हम पूछते हैं ज़रा इनके मिठाई, पेड़े, काजू की बर्फ़ी और छोले भटूरे, इनके अलावा भी इनके पास क्या क्या है। सर संजीव जी, जी सर मुझे एक चीज़ और बताइए, इसके अलावा आपके पास और क्या क्या प्रोडक्ट है। सर हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट मैं आपको नाम बताता हूँ। हाँ जी क्या? सबके घर में यूज होता है। अच्छा, सुबह शाम हर टाइम आप भी खाते हो। हाँ जी क्या? मैं बात कर रहा हूँ देसी घी के बारे में। अरे मेरा तो फेवरेट है जी। गाय और भैंस का प्योर ओरिजिनल देसी घी हम खुद बनाते हैं। खुद ही बनाते हो? मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी भैंस का घी। ये भैंस का है जी। इसकी आप इसको सूंघ के देखो एक बार, इसकी खुशबू देखो कितनी, वो खुशबू मिलेगी इसकी जो पुराने टाइम में हमारी माए जो घर में बना के रखी ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। कढ़ावनी में डाल के, कढ़ावनी में डाल के, हां हां कती चीज हुआ करती, वो चीज है जी। जी 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 ओके सर, ओके डॉक्टर साहब, ओके ओके। ये है जी गाय का। ये भैंस का है? ये क्या भाव है? ये भैंस का जी केवल 800 रुपये लीटर। भाई साहब 800 रुपये केजी ये है भैंस का। और खुशबू है ना वाक्य में ऐसी है जैसे हमारी माँ बनाती थी, खुद हमारे घर जब भैंस थी ना ऐसे बनाती। और ये है गाय का घी, इसको रख रखा था फ्रिज में। ये देखिए ये पीला है, येलो होता है हल्का सा, देखिए क्या बात, क्या बात है। इसका क्या रेट है भाई साहब? और ये है जी देसी गाय का। अच्छा देसी गाय का है? देसी गाय का है। मैं चैलेंज करता हूँ अगर छोटे से बच्चे को, अच्छा स्टार्टिंग से आप गाय का दूध और गाय का घी खिलाओ जी, उसका माइंड देखना कितना शार्प बनेगा, उसका फ्यूचर देखना कितना बढ़िया बनेगा, कितना ब्राइट, बीमारी रहित शरीर होगा। एक भी उसको अगर किसी भी तरह की कोई शागर बुद्धि का भी हो, अगर आपके सिर में दर्द है, कई बार क्या होता है घर में किसी के आधे सिर में या पूरे सिर में दर्द होता है, ये घी ले जाओ, हल्का सा लिया नाक के बीच में लगा दिया, ऐसे लगा दिया। आयुर्वेद दवाई है जी, रामबाण है। तो रामबाण है, रामबाण है। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो, क्वालिटी की गारंटी होगी जी, किसी तरह की कोई मिलावट का हमारा ध्येय नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपके पास, हमारे ग्राहकों के पास बढ़िया से बढ़िया चीज़ पहुँचे। ये चीज़ें लिमिटेड टाइम के लिए, शुद्धता की गारंटी है, शुद्धता की 100% गारंटी। कहीं लेबोरेटरी में टेस्ट कराएं तो कहीं चेक कराओ जहां आपका मन करे। अगर कोई लेबोरेटरी से अच्छे हमारे बड़े आदमी हैं, वो तो है, वो चलती फिरती लेबोरेटरी, ये बात सच है। लैब में चेक कराओ, कहीं चेक कराओ, कोई मिलावट नहीं किसी तरह की कोई। कुल मिलाकर के स्वच्छता, ताकत, सफाई इसकी गारंटी है। ये मिठाइयाँ तो दे ही दे रहे हैं, इसके अलावा आपको जीवन जीने का एक अमूल्य मंत्र दे रहे हैं। इस पृथ्वी पर दो ही चीज़ें सबसे शुद्ध मानी जाती हैं, शहद और देसी घी। सबसे ज़्यादा पवित्र ये दो चीज़ें मानी जाती हैं। फिलहाल भाई साहब देसी घी दे रहे हैं, वो भी देसी गाय का, अमेरिकन गाय का नहीं, देसी गाय का और जो भैंस है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कहीं और घूम लिए हों, फिर लिए हों, दुनिया का स्वाद ले लिया हो, खूब खाया हो, खूब पिया हो, एक बार मेरे कहने से, पर्सनल मेरे कहने से, मेरे रिकमेंड करने से आप यहाँ जरूर आइए। भाई साहब यहाँ की लोकेशन क्या है? ये है सर सोनीपत से, जब आप आओगे तो सोनीपत कालोपर चुंगी से 3 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी और तक रोड पे, सोनीपत से करखोदा रोड पे, करखोदा रोड हरसाना गांव है ये, हमारे सामने अखाड़ा है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही। अच्छा लोकेशन इसकी बिल्कुल आसान है, मेन रोड के ऊपर है, हरी भरी पेड़ है यहाँ जी, बिल्कुल गाड़ियाँ खड़ी करने की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हर तरह की खुली पार्किंग की, फुल सुविधा है। आप यहाँ पर किट्टी पार्टी, गेट टुगेदर 25 आदमी से लेकर 50 आदमी तक की आप पार्टी कर सकते हो, अंदर हॉल में कर सकते हो, बाहर भी आपका अरेंजमेंट करा दिया जाएगा, प्रकृति की गोद में, खेतों में, बिल्कुल पास ही है बिल्कुल सारा।
तो कुल मिला के सर संजीव जी आप अपना नंबर और बता दीजिए। सर 999-6246-048 ये मेरा फ़ोन नंबर है जी। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक चैनल भी है। हाँ सर बोलिए, नाम क्या? श्याम पेड़े वाले के नाम से है फेसबुक चैनल, आप उस पर उसको डाउनलोड कीजिए, उसको सब्सक्राइब करो और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वीडियो आती है, अपडेट हर एक तरह के अपडेट, मतलब जो भी नई मिठाई या कोई भी नया काम होगा तो उस पर अपडेट किया जाए। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जो आप समोसा खाते हो जी, समोसे में जो भी आलू डलता है जी जी, वो मेरा गांव मंडोरा है। मंडोरा हम अपने गांव में अपने खेत में अपना आलू तैयार करते हैं, छोटा भाई है, बहुत बढ़िया। अपने गांव में अपने खेत में आलू तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक आलू होता है, उसको निकाल के कोल्ड स्टोर में रखते हैं, बारी बारी जब भी आवश्यकता पड़ती है अपने कोल्ड स्टोर में उस आलू को हम यूज़ करते हैं। कुल मिला के आपने सोनीपत वासियों की सेहत को फिट रखने का बेड़ा उठा रखा है। बेड़ा उठा रखा है सर, मन में ये है कि जो मैं खाऊँ ना वही आप खाओ, बहुत बढ़िया। हमारे पास ये नहीं है कि मेरे बच्चे के लिए अलग है आपके लिए अलग है। तो सर मेरे चैनल को देख के अगर कोई आपके पास आएगा तो उसको आप डिस्काउंट दोगे ना? 5% डिस्काउंट है किसी भी आइटम जी। भाई साहब बात बन गई, जो रेट दुनिया के लिए है वो हमारे लिए नहीं है, 5% का डिस्काउंट मिलेगा, बात है सर? सर पक्का वादा है। तो दोस्तों इससे बढ़िया वीडियो और मैं आपको क्या दिखाऊं, इससे बढ़िया वीडियो मैं आपको और दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको हर जगह स्वाद की जगह ले जाता रहूंगा। आप ऐसे ही मेरे चैनल पर से जुड़े रहिए और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री श्याम।